हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे, और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत, और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। दोस्तों, आज है 14 अगस्त, दिन है बुधवार, और जिस दिन हमारा ये वीडियो जाएगा उस दिन होगा 15 अगस्त यानी हमारी आजादी का दिन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, सुबह के सारे काम निपटा लिए हैं, नहाने के बाद आ गए हैं किचन में, बनाना शुरू करते हैं खाना सुबह का। और ये तो रोज ही की ड्यूटी है, सुबह सुबह इतनी ज्यादा भागा दौड़ी होती है, सुबह का जो टाइम होता है पता ही नहीं चलता है। और जब सुबह के 5 बजते हैं ना, तो काफी अंधेरा रहता है, और आज हमको उठने में काफी देर हो गई है। और थोड़ी भी देर हो जाती है तो फिर इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं कि क्या बताएं। तो इधर हमने चाय रख दी है, इधर सब्जी काट लेते हैं। दोस्तों, आज सुबह सुबह इनकी मेहरबानी हो गई यानी कि पानी की। ऐसे तो दोपहर के 11-12 बजे पानी आता है, कभी कभी आता भी नहीं है, और कभी कभी हो सकता है शाम को ही आए, तो इस तरह के काम फिर नहीं हो पाते हैं। तो आज सुबह सुबह ही घर में पानी आ गया था, और ननद जी ने टब लगा दिया है, और बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि सारे काम हमारे अपने समय पर हो जाए, क्योंकि चारू को भी तैयार करना है और खाना भी बनाना है। तो खाने में आज हम बना रहे हैं भिंडी की सब्जी। और दोस्तों, यही होता है, जिस दिन अगर उठने में देर हो गई तो सारे काम हमारे पीछे होते रहते हैं। और वैसे तो जल्दी उठो तो सारे काम अपने टाइम पर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लगे हुए थे कि जितनी जल्दी हो सके तो हम सारे काम निपटा लें। और सबसे ज़्यादा जल्दी रहती है इन लोगों के लिए खाना तैयार करना। तो यहाँ पर आज हमने मसाले भी नहीं पीसे हैं, वैसे भी भिंडी की सब्जी में हमने कहा चलो आज मैगी मसाला डाल के बना देते हैं सिंपल तरीके से। और चारू को इस तरह की सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यानी कि भिंडी की सब्जी तो उनकी फेवरेट सब्जी है। और मम्मी भी नहीं है, हमारी मम्मी गई है किसी काम से, तो उनको 2-3 दिन लग जाएंगे, अभी वो नहीं आएंगी, तो और थोड़ा सा जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। तो सब्जी यहाँ पर छौंक दी है, आटा भी लगा देते हैं, और ननद जी जा रही हैं और चारू के पापा जा रहे हैं गाय को बांधने के लिए खेत पर, क्योंकि सुबह जब चारा खा लेती है तो इसको फिर खेत ले जाया जाता है, वहाँ पे बांध दिया जाता है, क्योंकि इस समय खेतों में बहुत ही ज़्यादा हरी हरी घास है। तो गैया हमारी दिन भर वहीं चरती रहती है, उसके बाद शाम को लाया जाता है। वाली देखो, एक हम कल ले गए थे, फूट गई थी, है ना? तब तुम ले जाने दो, और इस समय दोस्तों खेत खलिहान इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं सुबह के टाइम। अब तो ओस की बूंदें भी पत्तियों पर गिरने लगी हैं, और ये हमारी मक्का बोई गई है, तो मक्का थोड़ी थोड़ी सी बड़ी होने लगी है। और ये तरोई के खेत है, यहाँ पर तरोई की खेती की जाती है। तो किस तरह तरोई की खेती की जाती है आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं ये लोग, और हमारे खेत के बगल में ही है। तो ये देखिए, डंडे गाड़े जाते हैं, फिर ऊपर जो है बांस के तरीके बिछाए जाते हैं जैसे कि छप्पर,
और उसके ऊपर जो है तरोई के पौधों को डाल दिया जाता है, ऐसे ही बांधा जाता है ताकि जो तरोई के बेल होती है वो अच्छे से छैल जाए। और ये देखिए घर जैसा बन जाता है, आपको देखने में कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों मेहनत तो किसान बहुत ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब मेहनत का फल भी नहीं मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि इस समय तरोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है और यहाँ पर सब लोग अपने अपने पशुओं को बाहर ही बांधते हैं, यानी घर के बाहर बहुत ही कम लोग बांधते हैं। बाहर खेतों पर या बाहर जो कमरे वगैरह बने होते हैं पशुओं के लिए, वहाँ पर बांधे जाते हैं। तो दोस्तों हमारी विलेज की लाइफ स्टाइल कैसी लगती है आप सभी लोगों को, हमारा रहन सहन, हमारे खेत खलिहान कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए गा। और दोस्तों यहाँ पर हमारी सब्जी बस बन रही है और इधर हमने आटा लगाकर रोटी बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले गाय के लिए बना देते हैं, उसके बाद रोटी बना लेते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग फरमाइश होती है। चारू के पापा पराठे नहीं खाते हैं और हमारे पापा जी को इस वाली सब्जी के साथ, यानी कि जो सूखी सब्जी है उसके साथ पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और चारू भी आज कह रही थी कि हम रोटी लेकर नहीं जाएंगे, आज हम छोटा सा पराठा लेकर जाएंगे। तो पहले रोटी बना लेते हैं, फिर इन लोगों की जो है फरमाइश को पूरा करते हैं। और अच्छा ये हुआ कि चारू चली गई है अपने पापा के साथ नहाने के लिए, ये काम हमारा बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, वरना भी खाना बनाने के बाद तुरंत उनको नहलाना पड़ता, तो वो अब नहा लेंगी, उसके बाद बस तैयार करने के लिए रह जाएगा। और दोस्तों कभी कभी सोचो तो ऐसा लगता है समय कितनी जल्दी आगे बढ़ा जा रहा है। और कभी हम लोग भी ऐसे ही सुबह उठकर स्कूल के लिए तैयार होते थे, हम लोगों का टिफिन तैयार होता था और हम लोग निकल जाते थे अपनी सखियों सहेलियों के साथ स्कूल के लिए, और करीब 12 साल तो हम लोग रेगुलर स्कूल जाते हैं, उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई, तो इस तरह कितने साल हम लोग एक ही रूटीन में रहते हैं। और शादी के बाद अचानक रूटीन बदल जाता है, अब जो है वही जिम्मेदारियां हम लोगों के ऊपर आ जाती है जो हमारी मम्मी के ऊपर होती थी। तो जिम्मेदारी कितनी जल्दी हम लोगों को बड़ा बना देती है, ये अब समझ में आता है। और यहाँ पर ये देखिए पापा जी के लिए पराठे बना रहे हैं और चारू के लिए छोटा सा बना देंगे, तो ये सारे काम हो जाते हैं ना तो टाइम ज़्यादा ही कुछ लग जाता है। तो सबके लिए पराठे बना देते हैं, एक एक पराठा सभी लोग खा लेंगे तो नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद हम आराम से खाना बनाते रहेंगे, फिर जल्दी नहीं रहती है, फिर आराम से हमारा खाना बनता है। और दोस्तों ये देखिए 8 बज चुके थे, चारू चारू के पापा सभी लोग जा चुके हैं और अब हमको थोड़ा सा फुर्सत मिली है तो चाय पी लेते हैं। वैसे बहुत दिनों के बाद आज हम चाय पीने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही थी जिसकी वजह से हमने चाय पीनी बिल्कुल बंद कर दी थी, लेकिन आज मन हुआ ऐसे ही चाय पीने का। तो ये जो सुबह की भागा दौड़ी थी ना, ये थोड़ी देर के लिए शांत हो गई है, अब जो हमारे काम होंगे वो आराम से होंगे। और दोस्तों उसके बाद तुरंत हम आ गए हैं यहाँ पर गेहूं को साफ करने के लिए। उस दिन आप लोगों को दिखाया था कि हमने गेहूं धुले थे और पहले के भी कुछ धुले हुए रखे थे, तो वही आज साफ करने हैं, क्योंकि आटा हमारा जो है खत्म होने वाला है और त्योहार भी आ रहा है, तो इसीलिए इसकी तैयारी कर देते हैं। और दोस्तों आप लोगों की रक्षाबंधन की तैयारियां कैसी चल रही हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, अभी तो हमारी कोई भी तैयारी नहीं हुई है और यहां पर बस घर के जो काम है वही निपटाए जा रहे हैं। तो दोस्तों जब उस दिन हमने गेहूं धुले थे तो उस पर एक कमेंट आया था, भला गेहूं भी कोई धोता है? तो सिस्टर आपको बता देते हैं कि हमारे गांव में, हमारे यहां पर घर में हमेशा गेहूं धुलकर तभी आटा पिसवाया जाता है। और वैसे तो गेहूं धुल के रख लिए जाते हैं एक साथ ही, लेकिन इस बार नहीं धुल पाए थे तो इसी वजह से बोरी दो बोरी धुल के रख लिए जाते हैं, उसके बाद फिर आराम से काम चलता रहता है। और गाँव में घर के ही गेहूं होते हैं, यानी खेत से आते हैं, तो उसमें मिट्टी थोड़ा सा भूसा होता है, कुछ ना कुछ होता है, तो धुल लो तो वो साफ हो जाता है, उसके बाद सुखाकर सूप से या पंखे से साफ कर लिया जाता है। तो हम सूप से ज्यादातर साफ करते हैं और हमारी सासू मम्मी भी सूप से ही साफ करती हैं।
तो ये गेहूं को साफ करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और इधर हम साफ कर रहे थे, हमको नहीं पता था कि पापा जी को कहीं जाना है, तो हमने फिर जो है खाना भी बनने के लिए नहीं रखा था। और फिर यहाँ पर पापा जी बता रहे हैं कि अभी हम जाएंगे तभी खाना खाएंगे, और वैसे तो वो सब्जी पराठे ही खा लेते, लेकिन हमने कहा जब खाना बनाना ही है पूरा तो चलिए जल्दी से खाना भी बना लेते हैं, क्योंकि पापा जी जाएंगे तो शाम तक ही वापस आएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगी। और उसके बाद ये चावल कुटवा के आ गए हैं चक्की पर से, यानी कि दरा के, जो धान होते हैं उनको दराया जाता है। और दोस्तों जैसे ही कोई त्योहार आने वाला होता है ना, तो ये सारी तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं गांव घरों में और शहरों में भी। और चावल यहां पर साफ करने जा रहे थे, लेकिन फिर हमने कहा चलो दाल ही रख देते हैं, क्योंकि दाल को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हमारे चावल भी साफ हो जाएंगे। और आटा लगा हुआ हमारा रखा ही है, क्योंकि हम सुबह लगा लेते हैं तो वो रखा है। उसके बाद यहाँ पर आज हम बना जा रहे हैं चने की दाल। तो आज हमने पहले ही प्याज, टमाटर, हल्दी, नमक, ये सारी चीजें पहले ही डाल दी थी। इस तरह दाल हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है। और ये दूध रखा हुआ था सुबह का, यानी सुबह और शाम का, तो इसको भी गर्म होने के लिए रख देते हैं। और दाल रख दी थी, दूध रख दिया था, उधर जो है हमारी दाल भी बन रही है, दूध भी गर्म हो रहा है। तब तक फटाफट से ये जो चावल हैं इनको साफ कर लेते हैं, क्योंकि चक्की पर से आते हैं दोस्तों तो इनको पहले जो झन्ना होता है उससे झाड़ा जाता है, जो छोटे छोटे चावल होते हैं, छोटे छोटे कड़ होते हैं, वो निकल जाते हैं। उसके बाद सूप से इनको फिर साफ किया जाता है। तो इस तरह साफ करके रख लिए जाते हैं तो फिर आराम हो जाता है, और फिर इतनी जल्दी जल्दी फिर साफ भी नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पर ये लोग बैठी हुई थी, यानी ननद जी लोग आई थी, तो सभी लोग बैठी हुई थी, तो उन्हीं से बातें हो रही हैं और हमारे काम भी होते जा रहे हैं। अभी पापा जी गए थे खेत पर, उनको आने में समय है, उससे पहले हम खाना तैयार कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे चावल भी साफ हो चुके हैं, बस इतने ही साफ करेंगे, बाकी ये जो बंद करके इनको रख देंगे, क्योंकि अब इसमें जगह नहीं है टंकी में। तो आज ये बड़ा वाला काम हमारा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। और अब इस चीज़ की चिंता नहीं है कि गेहूँ साफ करने हैं या चावल साफ करने हैं, अब जो है जो काम है वो तो धीरे धीरे होते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे जो काम होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो चलते ही रहते हैं। तो उसके बाद आ गए हैं खाना बना लेते हैं। तब तक हमारी दाल भी बन चुकी थी, जब तक ये सारी चीज़ें हुई, दूध भी गर्म हो गया, दाल भी बन गई। दाल में लगा देते हैं तड़का और उसके बाद चावल रख देते हैं बनने के लिए, और फटाफट से हमने रोटी भी बना ली थी। और दोस्तों उसके बाद पापा जी भी आ चुके थे खेत से, नहाकर आ गए हैं, तो खाना हमने बहुत ही जल्दी में तैयार किया था, और चावल हम बाद में देने गए थे जब थोड़ा सा ठंडे हो गए थे, क्योंकि कुकर में बनाओ तो जब सीटी निकल जाती है तभी आप चावल निकाल सकते हो। तो पापा जी खाना खा चुके थे और सभी लोग लगभग खा चुके हैं, केवल ये लोग जब आएंगे तब खाएंगे। तो यहाँ पर हम बर्तन को साफ कर लेते हैं, क्योंकि आज हमने सुबह वाले यानी जो नाश्ता वाले बर्तन थे वो हमने नहीं धुले थे काम के चक्कर में, तो अब सारे बर्तन एक साथ ही धुलेंगे। उसके बाद तब तक टाइम हो जाएगा इन लोगों के आने का, क्योंकि चारू तो थोड़ा जल्दी ही आ जाती हैं। और ये होता है आराम से करेंगे, आराम आराम के चक्कर में हराम हो जाता है काम करना। सच में कभी कभी स्थितियां कुछ ऐसी हो जाती है कि इतनी स्पीड में काम करना पड़ता है कि क्या बताएं, एक टाइम पर दो दो तीन तीन काम करते हैं,
तब जाकर हमारे काम निपट पाते हैं। और आज वीडियो का कोई भी काम नहीं हुआ है, तो वीडियो का काम भी इसके बाद करना है। आप लोगों के पास टाइम पर वीडियो पहुंचाना है, तो वो एक अलग काम है हमारा, वो तो इन सारे कामों के बाद में ही हम करते हैं। और इसी तरह रोज 12 एक ऐसे ही बज जाते हैं घर के कामों को निपटाते निपटाते। तो ये है करीब शाम का टाइम, करीब 3 बज रहे होंगे, तो ये लोग आ गए झूला झूलने के लिए। और ये देखिए फिर से बदली आ चुकी है, मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका है। और आज हमारे गांव में कुछ लोग झंडे बांट रहे थे, तो वही हमारे यहाँ भी दिया गया है, तो ऊपर लगा दिया गया है छत पर। और ये है हमारे गाँव का कुछ ऐसा नजारा, अच्छा लगता है सावन महीने में, हरा भरा हर तरफ दिखता है। और गाँव की गलियां हैं ये हमारी, तो इतनी रात झंडा तुमने लिया? नहीं, वो बनाया नहीं, बाबा लाए हैं। बाबा ले आए? ये ऐसे ऐसे तल नहीं पाती ना, ये हम तल पाते हैं, ये तो नहीं जाएंगी। कुल में क्या बनी हो? माता जी। माता जी कौन सी माता? क्या बनी है? दोस्तों ये लोग कल के लिए तैयारी करने में लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डांस हो रहा था, किसी को डांस करना है, कोई कुछ कार्यक्रम कर रहा है, चारू भी कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं, तो उसी लिए यहाँ पर बातचीत हो रही थी। तो चलिए दोस्तों इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।